अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? ठीक हो? से ठीक है तो सनी, उम्मीद करना कि तुम बिल्कुल ठीक ठाक हो सो। और आज मैं आया हुआ पार्क है हमारे पीछे, तो संगे नज़र अच्छा उसकी ये हमारे घर ने बिल्कुल कोल है, जिसना नाम है क्लिसल पार्क। और तुम हमारे पहले व्लॉग तक हो सर, मैं तुम्हें ये पार्क जो है पहले व्लॉग दस ही रहा, लेकिन अज मैं तुम्हें एक और लंडन एक जगह आई है जड़ी कि मैं तुम्हें दसने वास्ते जुले हाँ। वो हमारे घर ने बिल्कुल कोल है, वो भी बेसिकली एक पार्क है जिसी के उसकी ना एक सिमेट्री विच चेंज करी देता, बेसिकली एक सिमेट्री है और उसकी पार्क ना नाम देता गया सिमेट्री ने बारे च। अगर जिन्हें लोगों की नहीं पता सिमेट्री बेसिकली तुम अपनी जबान च आ ही सकने हो कि जड़ा मतलब कब्रिस्तान जिस तरह होना वो इतना वै और काफ़ी पुराना है, यानी कि तकरीबन 400 से 500 साल पुराना वो कब्रिस्तान है। इन्हें ये जड़े मतलब जड़े क्रिश्चियंस है उन्होंने इतने ने जड़े बंदे हैं। और उसका नाम है एबनी पार्क और हमारे बिल्कुल कोल ही है ये जड़ा पार्क है। इस पार्क है जो मैं बाहर जा सा और तकरीबन मिकी 4-5 मिनट जड़ा वै वॉक करनी पैसी और फिर जड़ा वै मैं उतना पहुंची जा सा। और ये जड़ा एरिया वै इसका नाम है स्टोक निंटन और उसकी एबनी पार्क भी आने और एबनी पार्क सिमेट्री भी आने। और मैं उधर जा सा और सी दसा उतना काफ़ी यानी कि पुरानी कबर आई और तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा बंदे जड़े वे उतना दफन है। काफ़ी फेमस है लंडन ही तकरीबन 7 सिमेट्रीज हैं जड़िया कि काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं उन्होंने चु के भी है। और मैं अज क्योंकि मैं हमारे को इतना ज़्यादा टाइम को नहीं सी जिस वजह से मैं सोचा सी कि मैं कुछ दूर लंडन ना जो मेन सिटी है उधर ना जाई सकना, लेकिन है कि मैं है चलो तुसा कि जड़े माड़े घर ने कोल जड़ी जगह है उसना विजिट कराना वा तो मैं तुसा कि जाके दसना, क्योंकि इतना काफ़ी ज़्यादा फेमस जड़ी पर्सनैलिटीज़ हैं इन्होंने इंग्लैंड या यूके दी वो भी इतना उन्होंने दफन किया गया। तो मैं उधर जा सा और तुसा कि जाके वो दसा मैं एक क्लिसल पार्क है ये हमारे घर ने बिल्कुल कोल है। मैं अगर तुसें इतों दसा तो यह जी क्लिसल पार्क नहीं वाली साइड जी एग्जिट है और सामने जो बिल्डिंग तुम्हें दसनी भी बिल्कुल इस बिल्डिंग के नाल अगे एक बिल्डिंग है जितना मैं रहना वा। और एक क्लिसल पार्क जो इतों मैं गुजरना पसा मैं चलो तुम्हें दसी सटा। और मैं इतने जुलिया इतना एक निकी जी लेक जी बनती हुई है कैनाल बनती हुई है लेक जी है उस साइड पर है। और इतना निके निके और इतना एक जगह बनती भी जितना इन्हें काफ़ी ज़्यादा हिरनिया भी रखी हुई और बकरियां भी रखी हुई तो वो मैं अगर जाइए तो दसना वा तुम कि दसना उसी कि काफ़ी ज़्यादा लोग जुड़े हुआ जितना जमा है। पहले जोड़ा वा वो काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है पिछले 2 दिन और आज मौसम जोड़ा है वो बड़ा अच्छा है जिस वजह से काफ़ी लोग जुड़े हुए काफ़ी लोग जुड़े वो बाहर निकले हुए। और ये सामने जी है वो कैनाल है और इतना ही निका जब ब्रिज आए तो मैं क्रॉस करके जा सा। इतना पहाड़ जोड़ा वा काफ़ी ज़्यादा हिरनिया होनी है इतना अंदर उन्हें रखी हुई और अगर इतना सामने चरनी हुई तो मैं तुम्हें दसना सामने तुम्हें दसना उसी काफ़ी ज़्यादा इतना लोग खलते हुए और दखने पे इतों तुम कि नहीं अगर नहीं दसनी पे तो मैं उधर अगर जाइए तुम दसा एक दो जड़ी वो इतना ही और बाकी जड़ी वो दूसरी साइड पर ही तो मैं अंदर जाइए तुम दसना वा बाकी तुम तखने उस होगी सम टाइम जिसलै मौसम सही होगा ना ये बाहर निकली होनी है ज़्यादातर जड़ा वै उतना वो जड़ा इन्होंने बनता वा कमरा जो बनाया ने उतने अंदर होनी है और इतने की दसनी उस इतना और इस साइड पर जड़ा वै बकरियाँ ही था एक बकरी ही है बहुत बड़ी बकरी है और एक जड़ी है इस साइड पर इतने की दसनी उस इन्होंने कन्ना पर तुसें की दसना उसी ट्रैकर जड़े पे वो भी लाए ने ये जड़े वो सामने कमरे बनते हुए इतना अंदर होनी है ज़्यादातर। और बकरियां जड़ी हैं आई थिंक वो 2 ही हैं सिर्फ लेकिन निरनियाँ जड़ी हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं इस साइड पर बेसिकली इतना लोग भी काफ़ी ज़्यादा खलते हैं उन्होंने नाल बच्चे भी जिस वजह से माड़ी कोशिश है कि मैं उन्होंने वीडियो ना बनाओ वीडियो ना इतने कुछ जड़ी वो सामने तुम नज़र रखनी सर सम टाइम जिस वाले बंदे काफ़ी ज़्यादा हो जाने और फिर इतने अगर इतना नाल चढ़नी हो तो फिर डरी के दूसरी साइड तक नसी जानी है जिस वजह से इतने काफ़ी ज़्यादा बंदे से जिस वजह से वो तुम दसना उसी के उधर जानी है पियान मैं इतों हूँ इधर जाना पाया सामने
इस साइड पर एक एग्जिट है और इतने मैं बाहर जा सा है स्टोक न्यूटन जो एरिया वह शुरू हो जैसी इतना स्टोक न्यूटन चर्च है सामने और उस बाद जोड़ा वह चर्च स्ट्रीट शुरू हो जैसी मैं चर्च स्ट्रीट जी उसने पर थोड़ी देर वॉक कर सा और फिर उस बाद जोड़ा वह मैं जो एबनी पार्क है जिधर मैं जुड़िया मैं उधर चला जासा और उधर जाके फिर मैं इंशाल्लाह तुसें की दसना वा सामने भी एक ब्रिज है जिसने पर मैं टुरना पे और ये सामने जड़ा हुआ क्लिसल पार्क कैफे है और इस टाइम जड़ा हुआ वो क्लोज है लेकिन ये है कि तुसा इतना सवेरे ब्रेकफास्ट ने टाइम या ब्रंच या लंच ने टाइम सी सकने या थलू कैनाल जी जी गुजरनी पी और ये सामने जड़ा वह तुसें की दसना उसी स्टोक न्यूटन चर्च है और मैं उधर जा सा इतना थल्ले तुसें की दसना उसी काफ़ी ज़्यादा बच्चे जड़े वे खेलने भी पे और मैं हूँ जाना पे तुसें की जाइए दसना वा स्टोक न्यूटन चर्च और फिर उस बाद जड़ी चर्च स्ट्रीट है और उस बाद फिर सीधा मैं वॉक करना करना जड़ा वह मैं जा सा एबनी पार्क दा और तुसें की जाइए एबनी पार्क दसा ये सामने जी चर्च स्ट्रीट है और माड़ी साइड पर जड़ा वा ये चर्च है नज़र अच्छा उसी स्टोक न्यूटन चर्च है और ये जोड़ा एरिया वा इसका ना है स्टोक न्यूटन और मैं उधर जाना पे जोड़ा एबनी पार्क है वो इस साइड पर है और मैं ऊँचाई के एबनी पार्क जोड़ा वा उसना विजिट कर सा बाकी जोड़ा इतों मैं अगर थोड़ा जा सा माड़ी लैफ्ट साइड पर जोड़ा वा एक और चर्च है जोड़ा कि ओल्ड चर्च है सामने इतने भी कुछ कब्र जुड़िया इन्होंने बनती है और इसकी इंट्रेंस है ये सेंट मैरी ओल्ड चर्च है सामने इसका नाम लिखा वा और इतों जोड़ा वा तो चर्च के अंदर जाई सकने वो ये बेसिकली भी जोड़ा मैं पार्क पहले क्लिसल पार्क ये उसका पार्ट है और दूआ जोड़ा चर्च है वो इस साइड पर मैं हूँ स्टोक न्यूटन जी हाई स्ट्रीट है मैं उत आई गया बेसिकली जी चर्च स्ट्रीट है उस उ स्टोक न्यूटन हाई स्ट्रीट भी है इतने बड़ी प्यारिया प्यारिया शॉप्स हैं और मैं तक जाएगा इंशाल्लाह हम दसा और एक शॉप है जिसका ना है स्टोकीज बेसिकली इस एरिया ना है स्टोक न्यूटन और इसमें स्टोकी ना है मैं हूँ एबनी पार्क जोड़ा वह उसने बिल्कुल इतना आई है देखा वह वेलकम टू एबनी पार्क और ये सामने जोड़ा वह एबनी पार्क है इतना तुम वॉक करने वास्ते अच्छी सकने हो लेकिन बेसिकली ये एक सिमेट्री है और इतना काफ़ी यानी कि फेमस पर्सनैलिटीज जड़ी हैं मैं पढ़िया सी कुछ राइटर्स है और कुछ लोग जड़े हुए इन्होंने यानी कि आर्मी मैंबर्स है और मतलब काफ़ी फेमस जड़े बंदे हुए उन्हें इतना वो इतना दफन है तो मैं तुम्हें जाइ के जोड़ा वह दसना वा पूरा जोड़ा है जी सिमेट्री है मैं पूरी इसनी वॉक कर सा और तुम्हें दसा मैं इंशाल्लाह तुस अपने असानी कंट्री बिच उत्थे जेड़े कब्रिस्तान होने वो तो तुसा तक हो सन लेकिन माड़ी वीडियो वैसे तो डिफरेंट होनी है लेकिन मैं है चलो इस बारी तुसा कि मैं इत्थे जेड़ियां मतलब सिमेट्रियां होनी उन्होंने तुसा कि नज़ारा करा तुसा तक उसी कि इत्थे यानी कि इस तरह वॉकिंग ट्रैक भी बनते हुए तुसा वॉक करने वास्ते अच्छी भी सकने लोग अपने कुत्ते भी इतने आते हुए और चलो इतने अंदर जुले ये काफ़ी बड़े बड़े दिन ना इतने ये बनाए होने जिसने उपर ना जो लिखे हुए ये जी सिमेट्रीज जड़ी अक्सर तुसा जड़ी इंग्लिश मूवीज़ या उत्थे भी तखियाँ उस अक्सर हॉरर मूवीज़ जड़ी बननी उसने भी जड़ा वह ये जी सिमेट्रीज जड़ी वो दसियाँ जानी और मैं अज ये माड़े घर बिल्कुल कोल है मैं काफ़ी टाइम हो गया मैं
मैं सोचना पैसा कि मैं इधर जाऊँ और इसने वीडियो बना, थोड़ी जी डिफरेंट वीडियो है लेकिन लोग इतना भी फिरने थुरने वास्ते अच्छे और इसने विजिट करने वास्ते अच्छे, जिस वजह से मैं है कि चलो मैं माड़े जड़े फॉलोअर्स है जो माड़े की यूट्यूब या फेसबुक पर फॉलो करने, मैं क्या चलो उन्होंने वास्ते भी जड़ा वै ये वीडियो बनाई छोड़ा। इतना यानी कि दरम्यान बेंचेस भी लगे होने जितने तुम बेही सकने हो, कुछ लोग अच्छे। मैं हूँ शामी ने टाइम है और पिछले दो दिहाड़े काफ़ी ज़्यादा बारिश लगी सी जिस वाला मैं इतना निकलिया सा और मैं अच्छा पसंद, मैं सोचा सी उतना बहुत ज़्यादा चिक्कड़ हो सी पर इतना वाकई इतना ज़्यादा चिक्कड़ नहीं है, लेकिन यह है कि चिक्कड़ है जिस वजह से मैं आराम आराम ना जोड़ा हुआ इतना चलना पै सी। और ये जो सिमेट्री है एबनी पार्क सिमेट्री, तो इसके आखी सकने स्टोक नेंटन जड़ा इतना लंडन एक एरिया वै उसने बिच है और हैकनी ने बारे अगर सुना वै तो हैकनी जड़ी बोरो है उसने बिच है। ये दरम्यान ही जड़ा वै कुसा ना स्टैचू भी ना लाया वा ये जाके पढ़ने के एक। हाँ इसने बारे च मैं जिस वेला इसने बारे च रिसर्च करना पसंद थोड़ी जी और उस वेला इस बंदे ने बारे च लिखा सी कि ये भी जड़ा वै इधर दफन किया गया। बाकी इसाक इसका ना है, मैं इधर हूँ सही पढ़ नहीं होना पे कि कौन सी, लेकिन यह है कि ये सामने जड़ा वैसे स्टैचू लगा वा और इसकी कबर भी जड़ी है इतना ही उसी है तो थल ही उसी कुछ इतू जड़ा वै हूँ इस साइड पर जुड़े हैं लेफ्ट साइड पर इतू अंदरों अंदर ही जड़ा वै और रस्ते जाने और इस साइड पर जाके तखने हैं इतना तुम देखा सी कि कुछ ऐसी भी कबर हैं जड़ियाँ कि तकरीबन 1700 जड़ियाँ कबर बनाई गई, कुछ 1800 कुछ बनाई गई और कुछ 1900 यानी कि सारिया जितनी भी कबर हैं काफ़ी ज़्यादा पुरानी हैं और इसने दरम्यान ही डिफरेंट ट्रैक्स च बनाए हुए जितना तुम अच्छी गए वॉक वगैरह करी सकने हो, तुम अपने कुत्तियाँ की आनी सकने हो फेरी थोड़ी सकने हो, मतलब ये पाकिस्तान वाला साब नहीं है इतना और मजीद माड़े पिछा तुम दसना उसी मतलब की है जहाँ माहौल है इतना। वैसे जोड़ा रस्ता है पक्का नहीं है जिस वजह से इतना बारिश हो चिक्कड़ जहाँ जड़ा वह बनी जाना और माड़े सामने जड़ा वै एक और
बिल्डिंग जी नज़र अच्छी पी आई थिंक चर्च है और मैं तुसें गी दस्सना वा इस सामने आई थिंक चर्च है इत्थै एबनी पार्क च इस सामने जड़ा वा इत्थै एक और चर्च है आई थिंक सो इत्थै मैं इसका ना पढ़िया तो कोई नहीं मैं इसकी दूसरी साइड जाना और तखना वा मैं इत्थै पिछे कुछ बंदे मिली गए सन और माड़ी उन्होंने थोड़ी देर गपशप हुई है और माड़े को बेसिकली पूछने पे सन जरा तू कैमरा चाया वा है क्या नाम है इसका और कितने ना है वो वैसे उन्होंने माड़ी हैलो हाय हुई है थोड़ी देर और वो इतने नहीं रहने वाले भी इतना बिल्कुल कोल ही रहने लेकिन मैं इस पार्क नहीं ये नहीं कि तुम आ ही सकने हो कि नॉर्थ साइड पर रहना वा और वो जड़े वे साउथ साइड पर रहना तो हे सामने जड़ा वा इतना एक और कुछ बनता वा इन्हों साइन जड़ा वा वो क्रिश्चियनिटी ना इस सामने बनता वा वो मैं पता नहीं इसने ऊपर जाई सकने या नहीं लेकिन है कि ऊपर जाई के तखने इतना क्या कुछ बाकी वापस उधर जाने हैं क्योंकि लास्ट टाइम मिकी याद है कि मैं इतना आया हूँ पहले क्योंकि मेरे घर से इतना दूर तो कोई नहीं ना लेकिन जिस वेला मैं पहले आया सा उस वेला मैं इस जगह पर को ना जा ही सकिया सा क्योंकि इसकी कंस्ट्रक्शन होनी पी सी और एक क्लोज सी जिस वजह से हूँ मैं इधर अगे जा सा और मजीद अगे जाइ के तुसें कि जड़ा अगला एरिया वह दसा इंशाल्लाह इसने एक एग्जिट जड़ी है इस साइड पर है लेकिन मैं इस साइड पर ना जाना क्योंकि मैं जिस साइड पर जा सा वो एग्जिट इस साइड पर है और इधर एक कुछ रस्ते जुड़े हुए इन्हें क्लोज भी किए हुए आई थिंक जिते कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन जड़ी है कोई ना कोई काम होना पे और तुम दसना उसी काफ़ी ज़्यादा लोग जुड़े हुए वॉक करने पे और मज़ीद मैं जाना पे वापसी वाली साइड है पर मैं इसने बिल्कुल सेंटर जड़ा हुआ को ना गया क्योंकि उतने निके निके रस्ते बनाए हो ना और ये नहीं काफ़ी तंग तंग दूआ यह है कि उतने चिक्कड़ भी जड़ा हुआ काफ़ी ज़्यादा है जिस वजह से मैं डिसाइड किया कि मैं उधर ना ही जा वैसे तो क्या काफ़ी ज़्यादा बंदे भी इतने जाने पे जिस वजह से जिस वाला बंदे कोई सामने से छुने मैं उस वाला मैं कोशिश करना कि मैं वीडियो जुड़ी है ना ही बना सम कुछ लोग जुड़े हुए हो इस चीज़ें की पसंद नहीं करने और मैं भी समझ सकना वा जिस वजह से मैं आपो ही जड़ा वा वो मैं बंद करी देना वा वीडियो की लेकिन यह है कि मैं वो मजीद अगर जाना पा और इतना पिछले मिगे दो बंदे जड़े मैं तुम्हें दसिया पहले मिगे मिले सन और फिर मिगे मिले हैं सामने आई गए सन और माड़े को पूछने पे सन कि असा अगर कोई फुल की नहीं क्या इन्हें कबर इन पर रखना चाह तो रखी सकने मैं आखिया कि तुस रखी सकने हो मिगी इसने बारे पता तो कौन सी लेकिन है कि मैं उन्हें कि ये मशवरा दिता मैं है कि तुस रखी सकने हो क्योंकि इतने कई लोग जुड़े हुए पता है कि 1700 बिच उन्होंने डेथ हुई सी कई लोग 1800-1900 यानी कि 300-300 साल हो गए 400-400 साल हो गए जिन्होंने कबर इतनी और जरूरी नहीं कि उन्होंने सारी सारे जी फैमिलीज हैं वो भी इतना ही हो या इतना अच्छी गए इन कबर पर कोई फुल रखना उसी तो इसने चीना की कोई भी नहीं रोकी सकना अगर ये अच्छा और कुछ नहीं कबर पर फुल रखी सकना यानी कि एक अच्छा जेस्चर है तो आखी सकने हो फुल रखने में तो कोई भी नहीं तुम्हें रोकने लगा
ये जोड़ा रस्ता अगर तुम इस पर चलने रहे हो फिर तो ठीक है, लेकिन जिस वेल तुम अंदर चले जाने हो ना उस वे अंदर काफ़ी ज़्यादा जोड़ा चिक्कड़ा था और काफ़ी ज़्यादा मुश्किल अच्छी इस साइड पर जुले हैं, क्योंकि माड़ी जी मैं इतों इंटर होया सो वो जोड़ा एंट्रेंस है वो माड़े सामने आएगी और मैं हाले बहर ना जाना चाहना, क्योंकि इस सेंटर मैं इधर साइड पर को ना घूमया और मैं आना वा कि इधर भी फिरी थुरी जा एक चक्कर लाई के ना और मजीद तुसें कि जोड़ी जगह है वो दसी सटा, तो जिस वजह से जोड़ा कि मैं वापस इधर अंदर जाना पाया। अच्छा इस सामने जोड़ा वो बनता हुआ जोड़ा जिसने ऊपर मैं अगे गया सा और बेसिकली जड़िया वर्ल्ड वॉर हुई ना उसना मेमोरियल जोड़ा वा वो बनाया उन्हें इस सामने जोड़ा वा, क्योंकि मैं उसने बारे चुन पढ़िया है तो मैं दोबारा फिरना थुरना जोड़ा वा वो फिर इधर आई गया और इस सामने जोड़ा वा मैं पहले जिथे आया सा जिथे वो स्टैचू बनाया सा ने और गाइज मैं हूँ इतों वापस जुलियाँ और उम्मीद करना चाहिए माड़ी वीडियो जी पसंद आई उसी मैं अपनी वीडियो कितना खत्म करने लगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखे और दुआ याद रखे, अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़।